जय उत्तराखंड, वैष्णो मोटे में आपका स्वागत है। खबर दिल्ली के गड़बड़ भवन से। काफी पार्टी, जलेबी पार्टी जैसे शौकीन रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को गुड़ चाय पार्टी पर बुलाया। यहां पर काफी संख्या में लोग आए और गुड़ चाय का मजा लिया, ढोल दमों पे नाचे। इस पार्टी को 2019 की चुनाव की तैयारियों में या हरीश रावत जी अपनी खुली ताकत को जुटाने से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए देखिए दिल्ली से हमारी। सर एक बात और कि पहले आम पार्टी, काफल पार्टी, अब ये चाय पार्टी, ये कांग्रेस महासचिव की पार्टी है या कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की पार्टी है? ये उत्तराखंड के जो सरोकार हैं ये उनकी पार्टी है, ये उत्तराखंड की पार्टी है, ये उत्तराखंड की जो पहचान वहाँ के उत्पाद हैं ये उनकी पार्टी है। अरे शायद चाय पे बुलाया है, 2019 की चाय तो नहीं है ये? एक सकारात्मक एजेंडे के साथ काम करते हैं, ये हमारे अपने सामाजिक सरोकार है, इसमें मैं राजनीति को नहीं रखता हूँ। इसमें मैं उत्तराखंडी और वहाँ के राज्य के समग्र भलाई के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।